हेलो बच्चों, 2-3 दिन से वीडियो आपको नहीं मिल रहा होगा। ईद की 2 दिन छुट्टी थी और फिर एक संडे था। आज से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। अब हम लोग साइंस में क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे या शायद 3 स्टार्ट किए थे। उसका नाम था 2 स्टार्ट है चैप्टर नंबर 2। उस लेसन का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसमें हम लोग आज आगे नहीं पढ़ रहे हैं, जो अभी तक पढ़े हैं लेक्चर में उन सारी चीज़ों को हम लोग रिवीजन करेंगे आज, है ना। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, उनको जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जानवर हो। और उनके भोजन में अलग अलग तरह के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो उनके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, है ना। चलिए, तो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंपोनेंट्स जो हैं फूड में, ये 6 मेजर कंपोनेंट हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और रफेज। तो कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ताकत देता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टार्च और शुगर होता है। तो शुगर क्या है? तो शुगर को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और ये हमें गन्ना से, अंगूर से, किसी भी तरह के मीठे फल से या फिर शहद से, दूध से तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि इनमें शुगर होता है। स्टार्च, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिससे एनर्जी तुरंत नहीं मिलती है बल्कि धीरे धीरे मिलती है। जैसे कि रोटी, चावल, गेहूं, है ना, आलू या जितने भी तरह के अनाज हैं उनमें स्टार्च होता है। तो शुगर और स्टार्च जो है, ये दोनों हमारे भोजन में मौजूद है। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये दोनों हमारे जब भोजन करते हैं तो शरीर के अंदर जा करके ये पचता है और पच करके दोनों ग्लूकोज में बदल जाता है, और जिसको हमारा खून एब्जॉर्ब करता है तो खून को हमको ताकत मिलती है, खून हमको ताकत देता है। एक जवान आदमी को लगभग एक दिन में 90 ग्राम शुगर चाहिए होता है, है ना। चलिए, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट भी पढ़े थे। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को आप देख सकते हैं, पहले भी बताया गया होगा, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने फैट पढ़ा था। फैट से भी हमारे भोजन से हम करते हैं उसमें अगर फैट मौजूद है तो फैट से भी हमको ताकत मिलती है। फैट से ज़्यादा ताकत मिलती है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से ज़्यादा ताकत मिलती है। तो फैट हम लोगों को पौधों से भी मिलता है और जानवरों से भी मिलता है। तो पौधों से कैसे, जानवरों से कैसे मिलेगा? तो किसी भी गाय का, भैंस का दूध से हम लोग घी बनाते हैं, दूध होता है, बटर है, मछली है, है ना, क्रीम है, अंडा है। तो इन सब में फैट काफ़ी मात्रा में मौजूद है। तो ये एनिमल सोर्स हो गया। उसी तरीके से जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट हैं, नारियल का तेल है, सूर्यमुखी का तेल है, है ना, तिल है, तो इन सब चीज़ों में भी फैट मौजूद है। ये प्लांट सोर्स हो गए क्योंकि ये पौधों से मिल रहे हैं। तो वैसा खाना जिसमें फैट या कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि दोनों से एनर्जी मिलती है, दोनों से ताकत मिलती है। अगर फैट हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा मौजूद होगा तो वो फैट एक्स्ट्रा जो है हमारे बॉडी के स्किन के नीचे में जमा होने लगेगा। अगर हम कभी ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं या खाना नहीं खा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा फैट जो जमा है उसी से एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है, है ना। तो लगभग एक जवान आदमी को एक दिन में 70 से 80 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है। चलिए फैट देखते हैं। तो फैट आपको दो तरह का हम पढ़ा रहे हैं, एक सेचूरेटेड फैट है और एक अनसेचूरेटेड फैट है। सेचूरेटेड फैट जैसे कि बटर, घी, ये सेचूरेटेड जो है वो रूम में रखिएगा तो सॉलिड रूप में रहेगा, है ना, पिघला हुआ नहीं रहेगा, है ना। जबकि अनसेचूरेटेड फैट जो है वो रूम में रखिएगा तो वो लिक्विड रूप में रहेगा, जैसे कि कड़ुआ तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये अनसेचूरेटेड फैट है। घी जो है गर्मी के दिनों में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो क्या है, वो सेचूरेटेड फैट है। सेचूरेटेड फैट जम जाएगा लेकिन अनसेचूरेटेड फैट जमता नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो हमारा जो शरीर है वो, उसमें बहुत सारी सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं ये खास करके प्रोटीन सेल को बनाता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर की ज़रूरत है ताकि बॉडी में नया सेल बन सके, या कुछ सेल डैमेज होता रहता है तो डैमेज सेल को रिपेयर भी प्रोटीन करता है, और ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए भी ज़रूरी है। प्रोटीन हम लोगों को प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो प्लांट से मिलता है उसको प्लांट सोर्स कहेंगे, एनिमल से मिलता है उसको एनिमल सोर्स कहेंगे।
जैसे कि सभी तरह की दाल, नट्स और सोयाबीन वगैरह से प्रोटीन मिलता है, इनको हम प्लांट सोर्स कहेंगे। उसके अलावा सभी तरह के मांस, मछली, चीज, अंडे में भी प्रोटीन्स होते हैं, तो ये एनिमल से मिल रहे हैं तो इन्हें एनिमल सोर्स कहेंगे। तो वैसे भोजन जिनमें प्रोटीन काफी मात्रा में मौजूद है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट मौजूद था उसको एनर्जी गिविंग फूड कहे थे, और जिसमें प्रोटीन्स मौजूद है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे। एक जवान आदमी को लगभग एक दिन में 50 से 60 ग्राम प्रोटीन्स की जरूरत होती है। कुछ खास केसेस में जैसे कि मजदूर है या गर्भवती महिला है तो उसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। आगे देखते हैं। अब इसमें भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह आप लोग अपना पहले पढ़ाए थे, अब पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग विटामिन्स के बारे में देख रहे हैं। तो विटामिन्स जो है वो हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमको फिट रखने में मदद करता है, ये हमको हेल्दी रखने में मदद करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो बहुत थोड़ा ज़रूरी है, हमारे शरीर को विटामिन्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, है ना। ये हमारे शरीर के प्रॉपर काम करने के लिए ज़रूरी है। ये हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांत को, मसूड़ों को स्वस्थ बनाए करके रखता है, हेल्दी रखता है। हमारा बॉडी जो है वो विटामिन खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हमारा खाना से हमें लेना पड़ता है। विटामिन दो तरह का है, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल हैं, ये हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं। विटामिन डी को हमारा शरीर सूरज की रोशनी में खुद ब खुद तैयार करता है। विटामिन डी भोजन में नहीं मिलता है, हम लोग जब धूप में जाते हैं तो धूप की मौजूदगी में हमारा बॉडी खुद से विटामिन डी बनाता है। वाटर सोल्यूबल, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलने वाले हैं, ये हमारे शरीर में बहुत लंबे वक्त तक जमा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ऐसा खाना खाना चाहिए, बराबर खाते रहना चाहिए जिसमें विटामिन सी या बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मौजूद हो, जैसे कि रसदार फल वगैरह, क्योंकि विटामिन की कमी से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। अब नीचे आपको एक टेबल दिया गया था, उस टेबल में आपको बताया गया है कि कौन सा विटामिन किस किस चीज में पाया जाता है और उसका क्या महत्व है, उस विटामिन की क्या जरूरत है। आगे देखते हैं। उसके बाद मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स जो है वो भी विटामिन्स की तरह ही है, वो भी हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। मिनरल्स भी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। मिनरल्स दो तरह का हम लोगों को पढ़ना है, एक मैक्रो मिनरल्स, एक ट्रेस मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स, तो ये मिनरल्स हमारे शरीर को ज़्यादा चाहिए, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम। और ट्रेस मिनरल्स ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, आयोडीन, है ना। कुछ मिनरल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि आयरन जो है वो सभी तरह के मांस में, अंडे में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, सेब में पाया जाता है। खासियत क्या है, तो ये हमारे खून में RBC को, रेड ब्लड सेल को बनाता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, और जो ऑक्सीजन को हर हिस्से तक पहुँचाने में मदद करता है। कैल्शियम, तो ये दूध में या दूध से बने हर चीज़ में, अंडे में, है ना, मौजूद होता है, और ये हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। आयोडीन, तो सभी तरह के आयोडाइज जो सॉल्ट होते हैं, नमक होते हैं, या सी फूड, समुद्र से मिलने वाला जो भोजन है उसमें आयोडीन होता है, ये हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस, सभी तरह के मांस, मछली, अंडे में और अनाज में मौजूद होता है, और ये हमारी हड्डियों और दांत को ये भी मजबूत बनाता है। सोडियम और पोटेशियम, तो सभी तरह के नमक में और फल में, सब्जियों में मौजूद होता है, ये हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा को कंट्रोल रखता है, पानी की मात्रा को ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। मैग्नीशियम, तो ये केला में, मछली में, चिकन में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, और ये हमारे शरीर के अंदर नर्व और मसल्स को रेगुलेट रखता है। हमारा मसल्स होता है ना, मसल्स, दिल की धड़कन, आंखों की पपनियाँ, ये अपने आप ब्लिंक होती हैं, ये धड़कता रहता है, तो मसल्स को ये कंट्रोल रखता है, उसके मूवमेंट को। तो ये जो सारा मिनरल्स आपने देखा, ये सारे मिनरल्स हमारे बॉडी को या तो हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं, या फिर हमें फिट रखने के लिए ज़रूरी हैं, या बीमारियों से लड़ने में मदद कर रहे हैं। तो ये सारे
वैसा खाना जिनमें ये मिनरल्स मौजूद होगा उस खाने को हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, है ना। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।